देख रहे हैं एबीसी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन, हमारे देवभूमि का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां सीएम धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट दिया। सीएम ने राज्यपाल को बताया कि मजदूरों को निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सलाह पर राज्य और केंद्र एजेंसियां साथ मिलकर युद्ध स्तर पर राहत कार्य कर रही है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टनल में फंसे हुए मजदूरों के लिए सुंदरकांड का पाठ किया। उत्तरकाशी टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है, जहां एक तरफ रेस्क्यू टीम पूरे दमखम से मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रार्थनाओं का सिलसिला भी जारी है। बिंदु खत्ता कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुष्कर सिंह दानू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं के वंतिका देवी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने सभी मजदूरों के लिए श्री हनुमान से प्रार्थना की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मजदूरों के लिए सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं किए थे, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना हुई है। आज हमने बालाजी के चरणों में आके पाठ किया कि जो 41 मजदूर वहाँ पर फंसे हैं वो सकुशल जल्द से जल्द घर वापसी कर सके, और इस सरकार की भी जो ये इस टाइप की सरकार है इसकी आंखें खुल सके कि टाइम से। हम लोग ने जो है इसी की मांग रखी हुई है कि वहाँ टनल से जल्दी मजदूरों को बाहर निकाला जाए ताकि उनकी सुरक्षा करी जाए। जैसे कि कल से एक ही माँ ने अन्य पानी सब छोड़ दिया है, तो ये बहुत एक सोचनीय विषय है, और वैसे भी सोचनीय विषय है, जबकि भूगर्भ शास्त्री जो अल्मोड़े के हैं हिंदी के प्रोफेसर, उन्होंने बार बार बताया है कि ये सब जो है पहाड़ खोखले हैं, उसके बावजूद वहाँ पर जो करीब 10-11-12 दिन है तो फंसे हुए हैं, तो जो जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमने उनके सकुशल बाहर आने की कामना के लिए बजरंग बली जी से प्रार्थना के लिए किया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां सीएम धामी ने अधिकारियों को गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि 30 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का काफी सराहनीय निर्णय है। सुनिए महेंद्र भट्ट ने क्या कहा। मुख्यमंत्री लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने जो है सड़कों को गड्ढा मुक्त 30 नवंबर तक करने के निर्देश जारी किए हैं। कार्रवाई की भी बात की अधिकारी, निश्चित रूप से, क्योंकि अब मौसम खुल चुका है, ठंड का मौसम आ गया है, सड़कें अच्छी हों, वर्षा काल में देवी क्षेत्र आपदा क्षेत्र उत्तराखंड रहता है, ये बड़ी मात्रा में बारिश होती है, उसके मुख्यमंत्री लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूजर हैं तो अब तक आपने पनौती शब्द के बारे में सुन ही लिया होगा। वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद इस शब्द को खूब उछाला जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान में जनसभा में पीएम पर निशाना साध रहे थे। इस दौरान जनता पनौती पनौती चिल्लाने लगी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त की है। सुनिए प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। पनौती शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि हमारे लड़के अच्छे खासे जीत रहे थे, लेकिन पनौती मोदी ने आगे तो किस तरीके से देखते नहीं, अगर हार मान लेते हैं तो फिर बौखलाहट में कई प्रकार का बयान दिया जाता है, और राहुल गांधी जी के बयान को तो कोई भी सीरियस नहीं लेता है। इसलिए इतना जरूर है कि भाई देश के प्रधानमंत्री के लिए किस भाषा का प्रयोग करना है, ये कम से कम इसका बौद्धिक क्षमता कांग्रेस के नेताओं से। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां भारत विकास संकल्प यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। देश भर में भारत विकास संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये एक सरकारी कार्यक्रम है। इस यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही आम जनता के हित को लेकर सरकार ने जो फैसले लिए हैं उन सभी से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा। हाँ, भारत विकास संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर चल रही है, और हमारे यहाँ भी दो जनपद अभी प्रथम चरण में हमने लिए हैं, देहरादून और उधम सिंह नगर जनपद,
उसके बाद से कहना पूरे प्रदेश के सभी जिलों में यात्राएं चलेंगी। ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक अंग है, सहयोगी अंग है, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि संकल्प यात्रा में पूरी तरह कार्यकर्ता जुटेंगे और अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जाती है, जो योजनाएं तय हैं उन तक पहुंची हैं, पहुंचाने का क्या तरीका हो, इस सारे विषय पर भी बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून की खबर के साथ, जहां जिला अधिकारी ने रैन बसेरों की व्यवस्था को लेकर बैठक की। जिला अधिकारी ने सभी SDM को अपने स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रैन बसेरों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी को ज्यादा बर्फबारी वाले क्षेत्रों में खाने का स्टॉक समय से भिजवाने और स्नो चैन एम्बुलेंस तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर रुड़की से है, जहां एक कॉलेज में एक देश एक चुनाव को लेकर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में हर दिन कोई ना कोई चुनाव होता है, जिसमें पैसे और समय दोनों का ही नुकसान होता है, इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव बेहद जरूरी है। उसके साथ ही उन्होंने उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को लेकर कहा कि जीवन एक नई आशा जगी है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसे खुद देख रहे हैं। देखिए, आज वन नेशन इलेक्शन पर एक गोष्ठी का आयोजन इस चमनलाल विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला। और वास्तव में आज इसकी भारत जैसे विशाल देश को इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ इस देश के अंदर रोज कोई ना कोई चुनाव होता है, जहाँ उससे धन की हानि होती है, समय की भी हानि होती है, और हमारी जो फोर्सेज हैं जिनको देश की सीमा पर होना चाहिए उसको इस काम में लगाया जाता है, हमारे जो शिक्षक हैं जो शिक्षा के लिए काम करना है, पढ़ाने के लिए जाते हैं, उनको इस ड्यूटी पर लगाया जाता है। और इसलिए आज आवश्यक है कि हम इस पर चिंतन करें, मनन करें, और जो मोदी जी का सपना है जिसके लिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मसूरी की खबर के साथ, जहां क्षेत्र में गुलदार के शावक देखे जाने के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। रात के समय इलाके में गुलदार के शावक देखे गए। लोगों की माने तो मादा गुलदार भी आसपास ही मौजूद है, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। DFO वैभव कुमार सिंह ने विभाग के अधिकारियों को गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। जैसा आपने बताया, सर्दियों के समय में ये देखा गया है कि गुलदार का जो मूवमेंट है वो शहरी क्षेत्रों की तरफ जो है बढ़ जाता है। उसके विषय में हमारे द्वारा जो हमारे सभी फील्ड कर्मी हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है, और ये निर्देश दिए गए हैं कि कहीं से भी गुलदार के मूवमेंट की सूचना आती है तो संबंधित वन कर्मी स्वयं उस क्षेत्र में जाएँ, और जहाँ तक संभव हो वन क्षेत्राधिकारी भी जाकर एक बार क्षेत्र का स्वयं जो है मुआयना कर लें। और बाघ के अगर आने के कोई कारक हैं, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे आवारा पशुओं की वजह से बाघ आ रहा है या कहीं पे कूड़ा हुआ है, तो उन कारकों का भी जो है निस्तारण समय अंतर्गत कर लिया जाए। अगली खबर रुड़की से है, जहां सालों से जर्जर पड़ी सड़क का निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है। सालों से ये सड़क जर्जर पड़ी थी, लेकिन अब निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जिसका श्रेय स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक प्रदीप बत्रा को दिया है और कहा कि काफी समय से उन्हें इस रोड की जर्जर हालत की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बारिश के मौसम में गड्ढों में पानी भरने की वजह से कई लोग घायल भी हो चुके हैं। रोड बन रहा है और ये लगभग 10-15 साल से जो हम ऐसे ही देख रहे हैं, टूटी फूटी पड़ी है। आते जाते लोग बहुत परेशान थे, बहुत एक्सीडेंट होते थे, बहुत वाहन टूटते थे, लोग गिरते थे, पर ये 10-15 साल बाद अब विधायक जी के प्रयासों से PWD द्वारा बनाई जा रही है, लोगों को बहुत राहत मिलेगी। रामपुर चुंगी से मेन बाजार की तरफ जाता है, मछली मार्केट होते हुए मेन बाजार जाता है, और आज ये सड़क जो बनने से लोगों को इतनी राहत मिली है धूल मिट्टी से कि बहुत ज़्यादा सुकून मिला है लोगों को। बुलेटिन
बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे पौड़ी की, जहां तहसील दिवस का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार की जरूरत है। ग्राम प्रधान ने तहसील दिवस के आयोजन पर इस बात का जिक्र किया। अब तक 9 फरियादियों ने शिकायत दर्ज करवाई है। अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिलाया है। इस दौरान ग्राम प्रधान बेड़गांव प्रमोद रावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्तर पर प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, लेकिन तहसील प्रशासन इस दिशा में कदम नहीं उठाता है, जिससे तहसील दिवस पर फरियादी नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण समय पर समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, जिससे लोगों में तहसील दिवस को लेकर बेरुखी बनी हुई है। सर्वप्रथम मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आज तहसील दिवस एक तरह से कुछ भी नहीं रहा। इसमें जिला स्तर के कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं उपस्थित थे। लोग दूरस्थ गांवों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन उनका शिकायतों का निवारण नहीं हो पा रहा। पिछले मई माह के हमारी शिकायतें थी, वो आज तक उन पर निवारण नहीं हुआ है। और मेरे आज तमाम उन शिकायतों का पुनः इस पर आज दिया गया जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, कि जिस तरह से तहसील दिवस होता है इस तरह प्रसार प्रशासन नहीं किया जाता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग नहीं आ पाते हैं। तो इसे पहले ही क्यों नहीं प्रशासन एक दिन या दो दिन पहले ही इसे प्रशासन किया जाए कि भाई तहसील दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। जी जी, ये आज जो तहसील दिवस का आयोजन हुआ तहसील पौड़ी में, तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक वार्षिक रोस्टर जारी किया जाता है, जिसके क्रम में अलग अलग तहसीलों में तहसील दिवस आयोजित किए जाते हैं। उसी के क्रम में ये आज तहसील दिवस आयोजित किया गया। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।